हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक कपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर किस तरह की एनर्जीज में थे, किस तरह के ख्यालों में ये डूबे हुए थे, या किस तरह के थॉट्स इनके मन में चल रहे थे। लेकिन ये चीजें आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। बस गाइज, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स के थ्रू कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे। गाइड कीजिए नमस्त प्लीज डिवाइन प्लीज आर केंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए। प्लीज आर केंजल मिशेल, प्लीज आर केंजल कैमियल, प्लीज आर केंजल एरियल, प्लीज आर केंजल रेफल, प्लीज आर केंजल गैब्रियल, प्लीज आर केंजल मिट्रन, प्लीज आर केंजल यूरियल, मुझे गाइड कीजिए बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में थे, किस तरह के थॉट्स इनके मन में चल रहे थे, यूनिवर्स इनको लेकर गाइड कीजिए बताइए। गाइड कीजिए देखिए, कल रात इस पर्सन ने अपनी लाइफ को ना काफी ज्यादा बिखरा हुआ फील करा, और इन्हें अपनी बिखरी हुई लाइफ ना काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ में या इनकी जो भी रिलेशनशिप है ना, उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये फिर चाहे उसे बढ़ाने के लिए या उसे सही करने के लिए कितना भी अपनी तरफ से एफर्ट क्यों ना कर रहे हो, इन्हें कल रात ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इनका ना दम सा घुट रहा है इस सन्नाटे से या इस अकेलेपन से। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि कोई जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है ना, वो मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। उस मामले में ये पर्सन काफी ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे कि मेरी लाइफ में जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अन्याय ही हो रहा है, ऐसा इनके मन में काफी ज्यादा चल रहा था। काफी ज्यादा एग्रेसिव एनर्जीज में ये दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आसपास के जो भी मेरे लोग हैं ना, वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, किसी पर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता या कर सकती। ये उस एनर्जीज में कल रात थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने आप को काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि इन्हें करना क्या चाहिए, और ऐसा इसीलिए हो रहा था, इनका कंफ्यूजन इसीलिए था क्योंकि ये चीजों को ना काफी गुस्से में समझने की कोशिश कर रहे थे। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस बात पर इसे बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा था। देखिए कितना ज्यादा एग्रेसिव एनर्जीज इस पर्सन की है, आप खुद देख सकते हो वैक्स, और नीचे वैक्स बिल्कुल पानी बन रहा है। कल रात इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये ना अपने गुस्से को कितना पिए, कितना बर्दाश्त करे, ऐसा इन्हें फील हो रहा था। इन्हें कल रात ऐसा फील हो रहा था कि मेरी लाइफ में ना मेरी खुशियों को किसी की डेफिनेटली नजर लगी है, जिस वजह से मेरी लाइफ सही होने का नाम नहीं ले रही। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के सीने में जैसे ना एक आग सी लगी हुई हो, एक गुस्सा भरा हुआ हो इनके मन में आपको लेकर, या जो भी इनकी लाइफ में इस वक्त में चल रहा है ना उसको लेकर। ठीक है, इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो भी होना है ना मेरी लाइफ में तुरंत हो जाए, अब वक्त ना लगे, क्योंकि मैं अब वक्त करते करते बेहद ज्यादा थक गया हूं या थक गई हूं, अब आर पार हो जाना चाहिए, उस तरह से इन्हें लग रहा था। कल रात ये पर्सन ऐसी एनर्जीज में थे कि अब इन्हें ना और नहीं रोना, इन्होंने जितना रोना था, जितना वेट करना था कर लिया, अब ये चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा भी है उसी तरह से।
कल रात ये पर्सन डेफिनेटली बेहद ज्यादा नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, चाहे आपको लेकर हो या फिर आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन हो या आसपास के लोगों को लेकर हो, बट ये पर्सन काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे। ये ना उस एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं कि ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, वो मेरी ही गलतियों की वजह से हो रहा है। दो तरह वजह मुझे इनकी दिख रही है। पहली कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्हें आपसे इतना ज्यादा अटैच्ड होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अगर अटैच्ड, अगर ये आपसे इतना अटैच्ड हो ही गए थे तो इन्हें अब आपको अपनी लाइफ से जाने ही नहीं देना चाहिए था। उस तरह की एनर्जीज इस पर्सन की कल रात की आई है। इन्हें कल रात ऐसा फील हो रहा था कि भाई देखो, मुझे इन चीजों को एक्सेप्ट करना है, या तो मुझे जो मैं पीछे छोड़कर आया हूं या आ गई हूं उसे पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, और अगर मुझे, मैं अगर उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहा या पा रही तो मुझे उनके लिए यानी कि आपके लिए एफर्ट करना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए ताकि मेरे मन में शांति रहे, सुकून रहे और एक क्लियरिटी आ जाए। उस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में काफी ज्यादा चल रहे थे कि मुझे अपने मन से ही सेट करना होगा पहले कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ वक्त के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव हुए, बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, सिचुएशन के ऊपर स्ट्रेस फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और तुरंत ये शांत हो गए, फिर इन्होंने अपने आप को शांत कर लिया। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को ना एक मिस्टीरियस बनाने की काफी ज्यादा सोच रहे थे कि अब मैं अपने आप को ऐसा बना लूंगा या बना लूंगी कि मेरे दिल में क्या है वो किसी को पता ही ना चले, कोई मुझे ढूंढ ना पाए, कोई मेरी एनर्जीज फील ना कर पाए। और काफी ज्यादा चांसेस है कि इन्होंने ऐसा ही कर भी रखा हो, कि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मिस्टीरियस बना रखा हो। कल रात ये पर्सन ना सब चीजों को छोड़ छाड़ कर जाने की बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, एकदम से मिस्टीरियस बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, मुझे कोई छू नहीं पाएगा, मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उस तरह की एनर्जीज में ये पर्सन काफी ज्यादा थे। उस तरह के थॉट्स, उस तरह के गलत गलत विचार इस पर्सन के मन में बेहद ज्यादा चल रहे थे कि मैं अब सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, बस सब चीजों को, या चली जाऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को बेहद ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा चल रहा था कि जब ये सब चीजों को छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे तो सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, या जो सिचुएशन मेरी खराब हो रही है उसे मैं अपने आप से डील कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इसे स्ट्रेस से बाहर निकल पाऊंगा या पाऊंगी। इस तरह का कंफ्यूजन, इस तरह के विचार कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में कल रात बेहद ज्यादा थे। देखिए, कल रात इस पर्सन के मन में किसी तरह की नाराजगी, किसी तरह का गुस्सा तो था जो ये पीने की कोशिश कर रहे थे, और उसी गुस्से की वजह से ये ऐसा डिसीजन लेने की भी सोच रहे थे कि ये छोड़ छाड़ के ना चले जाएंगे तभी बेहतर होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कल रात इस पर्सन का ना मन था कुछ कहने का, लेकिन ये कह नहीं पाए या अपने मन की भड़ास नहीं निकाल पाए। काफी ज्यादा इनके मन में बातें थी जिसे ये निकालना चाह रहे थे, एक भड़ास थी जिसे ये मन से निकाल कर अपने आप को शांत करना चाह रहे थे, लेकिन ये कर भी नहीं पाए क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये अपनी ये फ्रस्ट्रेशन, ये भड़ास किस पे निकालेंगे, जिस पर भी निकालेंगे उसी से इनका रिश्ता खराब हो जाएगा। ऐसा इन्हें फील हो रहा था कि उसी के साथ इनका रिश्ता फीका पड़ जाएगा, बेरंग हो जाएगा, क्योंकि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनाए जाते, इतनी आसानी से संजोए नहीं जाते। ऐसा
ख्याल ऐसे थॉट्स इस पर्सन के मन में काफी ज्यादा चल रहे थे, और इसी रीजन की वजह से ये किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। ये भी चीजें हैं। देखिए, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के रिश्ते में तो किसी की बुरी नजर ही लगी हुई है, किसी का बुरा इफेक्ट पड़ा है, किसी ने या तो नजर बुरी डाली है, या फिर चांसेस हैं कि किसी ने बुरा काम यहाँ पर करा है, कि मतलब जैसे होता है ना कि जानबूझकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आई है। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं बता रही हूँ मैं, ओवरऑल आप लोगों के कनेक्शन के लिए बता रही हूँ। काफी ज्यादा बेसब्र से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपना पेशेंस लेवल खोते जा रहे हो, या जो सिचुएशन चल रही है उसे अब फेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि इस पर्सन को ना कल रात ऐसा ही फील हो रहा था कि बस अब इस सिचुएशन में रहकर ना अब इनका दम ही घुट रहा है और इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। अपने आप को काफी ज्यादा हेल्पलेस और थका हुआ हारा हुआ फील कर रहे थे ये। इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि भाई जिसकी भी तरफ सपोर्ट के लिए बढ़ते हैं ना, वही इनसे पीछे कदम हटा लेता है या हटा लेती है। यानी कि इस पर्सन को कल रात कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो इन्हें नहीं मिला, या ये किसी पर इतना भी भरोसा नहीं कर पाए कि जैसे इनके मन में इतनी भड़ास थी, इतना गुस्सा था, इतने मूड स्विंग्स इन्हें हुए, तो ये उस चीज को, उस फ्रस्ट्रेशन को किसी पर निकाल भी पाए, तो वो भी इनके पास ऐसा भी कोई पर्सन नहीं था, ऐसा भी ये फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं अपने माइंड को इन्होंने ऐसा समझाने की कोशिश करी है ना कि ऐसे ही चलनी है, मेरी लाइफ में किसी तरह की पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं, इतना ज्यादा ये पर्सन अपनी लाइफ से होप खोते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कि इन्हें अब अकेले ही रहना है, बेरंग ही जिंदगी होगी, कोई सपोर्ट भी नहीं होगा, इन्हें अपने आप ही गिरना है, उठना है, चलना है, ये सब अकेले ही करना है, उस तरह के ख्यालों में इन्होंने अपने आप को जानबूझकर रखा हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और उसके अलग इन्होंने जैसे इस तरह के ख्याल इनके मन में चल रहे थे, तो इन्होंने ये सब चीजें किसी से डिस्कस भी नहीं करी है, ये भी चीजें हैं। यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ को खुद से ही उलझाया कल रात, खुद से ही अपनी सोच को इतना ज्यादा नेगेटिव, इतना ज्यादा बेरंग करा है कि जिसे शायद कोई एक पॉजिटिव पर्सन आकर सुलझाने की कोशिश भी करता ना, तो वो भी नेगेटिव होकर ही जाता, इतना इस पर्सन ने अपनी सोच को उलझाया और नेगेटिव करा है। कल रात ये पर्सन ना अपने आप को काफी टूटा हुआ फील कर रहे थे, अपने दिल को टूटा हुआ हारा हुआ फील कर रहे थे, ये भी चीजें दिख रही हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने ना अपने आप को मन से बहुत ज्यादा अकेला भी करा है, ये भी चीजें हैं। आसपास के लोग भले इनके पास हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस भी इन्होंने मन से नहीं लगा, इन्होंने उस समय भी अपने आप को अकेला ही फील करा कि ये अकेले हैं, हो इनके पास या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इन्होंने अपनी सोच को बेहद ज्यादा बनाया। तो देखिए, इसके वैक्स के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली कल रात आपके पर्सन की काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, काफी डिस्टर्ब हुई हुई अपनी लाइफ से, काफी होप खोई हुई इनकी एनर्जीज आई है। ठीक है, इनके मैसेजेस देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे, जैसे ये सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो आखिर इनके मन में क्या था जो ये स्ट्रेस ले रहे थे, तो वो चीजें मैसेज के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस, दीजिए यूनिवर्स, आखिर ये क्या कहना चाह रहे थे, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आखिरकार, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए आखिर क्या कहना था। बहुत सारे कार्ड्स हैं,
डाइट लेकिन रिजल्ट आ गया कि क्या कहना था, क्यों इतने डिस्टर्ब थे, क्या कहना था यूनिवर्स। चलिए बहुत सारे मैसेज हैं जो बेसिकली यही बता रहा है कि इस पर्सन के मन में काफी कुछ चल रहा था कल रात, जो ये कहकर चाहकर भी नहीं कह पा रहे थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है यू डिजर्व बेटर। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड ऐसा चल रहा था कि जो इनके लाइफ में इस वक्त में चल रहा है ना, ये उससे बेहतर डिजर्व करते हैं। यानी कि कल रात इस पर्सन को अपनी ही लाइफ से, अपनी ही जिंदगी से होप खोती हुई नजर आई और इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये चीजें डिजर्व अपनी लाइफ में नहीं करते। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, और इन्हें इसीलिए लग रहा था क्योंकि इन्होंने पास में डेफिनेटली कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसको लेकर इन्हें कल रात काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर हो रही थी, अपने ऊपर इन्हें गुस्सा आ रहा था। विल यू वेट फॉर मी, कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोच रहे थे कि इन्होंने उस ऑप्शन के ऊपर, उस डिसीजन के ऊपर आपको छोड़ा, तो क्या आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस तरह के थॉट्स इन्हें और ज्यादा परेशान कर रहे थे और ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे जिस चीज की आपसे माफी मांगने के मामले में काफी सोच रहे थे कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट करा, क्या उस चीज के लिए आपने इन्हें माफ कर दिया या नहीं कर दिया। ये चीजें इस पर्सन को डेफिनेटली खाई जा रही थी। गिव मी सम टाइम, ये कल रात कुछ ऐसी एनर्जीज में थे कि इन्हें लग रहा था कि इन्हें और मौका मिल जाएगा तो ये चीजों को डेफिनेटली सही कर लेंगे, इन्हें ऐसा लग रहा था। विल यू मी अगेन, आपसे श्योरिटी मांगना चाह रहे थे कि क्या इनके ये सब करने के बाद आप फिर से इनके होंगे या नहीं होंगे, जो चीजें इस पर्सन को बेहद ज्यादा परेशान कर रही थी। देयर आर सो मैनी अनसेड थिंग्स बिटवीन अस, तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि इस पर्सन के मन में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी जो इन्हें परेशान, अकेला, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट कर रही थी। ठीक है, आई लव यू, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आपसे आज भी बेहद ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ यार। यानी कि कल रात ये पर्सन जो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, वो आपकी तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वापस से आप इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं है या इन्हें उनमें अपना सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। कैन वी स्टार्ट अगेन, ये आपसे ऐसा कहना चाह रहे थे कि क्या आप फिर से और ये फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। I will come back and then we can fight again. तो ये आपसे ऐसा कहना चाह रहे थे कि ये फिर से आएंगे और फिर हम लोग ये जो भी आप लोगों के बीच में हुई हैं बातें उस पर फाइट करेंगे। You are my soulmate. तो कल रात इस पर्सन को बेहद ज्यादा ऐसा फील हो रहा था कि आपका और इनका दोनों का साथ एक सोलमेट कनेक्शन है। तो इसी एनर्जीज, इसी मैसेजेस की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान थे, ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आपको रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज बताइएगा जरूर और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।